हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ थाईलैंड, जिसमें मैं थाईलैंड में 10 दिन रहने वाला हूँ और मैं 10 दिन की एक सीरीज़ बनाऊँगा। डे वन, डे टू, डे ऐसे 10 वीडियो बनाऊँगा, पूरी 10 व्लॉग। तो मैं आप सबको उसमें बताऊँगा कि मैंने 10 दिन थाईलैंड में क्या करा, क्या थाईलैंड वगैरह जाना चाहिए और कैसा उधर का है सब कुछ, क्या घूमने मतलब मज़ा आता है नहीं आता है, पैसा वसूल होता है नहीं होता है, ठीक है। तो पूरा व्लॉग देखने के लिए चैनल से बने रहें और अगर फर्स्ट टाइम व्लॉग देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये कुछ बावली गांड आपको मिल जाएंगे ऐसे। हम आ चुके हैं थाईलैंड के फुगेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। यहाँ से हम अब टैक्सी हमने बुक करी अपने होटल के लिए, बुक नहीं करी मतलब पहले से हमने बुक कर रखी थी, होटल भी पहले से बुक कर रखा था, टैक्सी भी। तो टैक्सी वाला आ रहा है, हमें हमारे होटल लेके जाएगा जो हमने पहले से बुक कर रखा था। और आप सबसे ये कहना था कि थाईलैंड आओ तो अपना होटल वगैरह टैक्सी वगैरह पहले से बुक करा के चलो और एयरपोर्ट पर आके सिम जरूर ले लेना अपनी, 400-500 बात ही मिलेगी, अच्छा रहता है सबके लिए। तो अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा जिसमें आपको मैं अपना होटल दिखाऊंगा, ठीक है। तो बाय। तो गाइस, होटल दिखाने से पहले मैंने सोचा कि आप सभी लोग को मैं थाईलैंड का इंटरनेशनल फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखा दूँ। तो भाई ये इनका छोटा सा एयरपोर्ट है, अच्छा है, प्यारा है, बट छोटा है थोड़ा सा हमारे दिल्ली IGI एयरपोर्ट से। तो गाइस एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और होटल जाने के लिए कैब करिए। तो गाइस हम आ चुके हैं होटल में, मैं आप सभी लोगों को एक बार होटल का व्यू दिखाता हूँ। गलती हो जाती है। तो वही हमारा रूम, सिस्टम पाड़ देंगे। तो भाई हमारा रूम कुछ ऐसा ही अच्छे से ना दिख नहीं रहा है। ये डॉक्टर मुस्तकीम है, हाय बोलो सर। हाय। ये क्या कर रहे हो? भाई ट्रिप की तैयारी कर रहा हूँ। ये इतनी? अरे यार ये सब पैसे डिवाइड करके रखे हैं, ले ले अपने पैसे। इतने डरे? हाँ ये तेरे हैं और ये मैं रख लेता हूँ भाई। बस डॉलर्स हो गए तेरे पास? बराबर इतने ही दिया। हाँ बस इतने मिलेगा तुझे। ये सब ज्यादातर मेरे खर्चा में करने वाला हूँ भाई। तो भाई छापा पड़वाओ सर पे, बहुत पैसा आ रहा है। ग्रुप का खर्चा मैं करने वाला। तो भाई मैं आपको एक बार लास्ट बार रूम दिखा देता हूँ ऐसे। तो भाई भूख लग रही थी, मैं घर से लाया था मैगी, इसमें गर्म पानी डालेंगे फिर मैगी बनाएंगे। तो केतल में पानी को गर्म करते हैं। आपने कभी बनाई है सर ये मैगी? मेरा फर्स्ट टाइम है। नहीं मैगी तो मुझे आती है। खोलना इसे। मैगी तो मैं बनाता हूँ। हाँ। पर ये रेडी टू ईट वाली नहीं बनाई मैंने। फोड़ मत देना। मस्त है। एक्सपर्ट हो आप। कितनी पीती? सोडा है क्या? चेक करता हूँ। पानी है। कभी सोडा सोडा वाली मैगी बन जाए। भाई पहली बार बना रहा हूँ मैं। फेंक दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट। 2 मिनट की मैगी को 2 मिनट लगने चाहिए ना।
तो भाई जब ये बन जाएगी तब दिखाऊंगा मैं भी इसका। तो रिजवान देख पानी कितना था। तो भाई पानी गर्म हो चुका है हमारा, लेके आओ पास। कितनी देर तक करना है इसको? मुझे नहीं आता, दो मिनट ढक के रख दे। ढक के रख दे तो भाई मैगी बन गई हमारी, कुछ इस टाइप की मैगी बनी है। मैं तो खाऊंगा नहीं पहले, ये समझ जाओ क्यों नहीं खाऊंगा पहले। पहले खा रहा हूँ सर को, भाई साहब खा के बताओ। लग तो रहा है बढ़िया बनाया है। पानी ज्यादा हो गया यार, पानी ज्यादा हो गया, इसको इवेपोरेट होने दो। फिर चम्मच कैसे लिया? चम्मच दो हैं, दो है क्या? चम्मच हाँ, है ना। हाँ एक वो है फोक होगा, अब यार तू पहले निकालता है यार। एक स्पून होगी, गंदी करवाएगा तू मेरे। कोई बात नहीं वैसे खाओ ना। तो गाइस बनी नहीं है भाई, बन गई है। ऐसी बनती है, है? ऐसी बनती है अच्छे से भरो ना। गरम है अभी यार, मैं खा नहीं पाऊंगा। अरे भाई खाओ। गरम है। अरे 15 मिनट का व्लॉग हो जाएगा। कम इन, आ जाओ भाई, गरम है अभी थोड़ी देर में। तो भाई सर पे तो खाई नहीं गई मैगी, अब हम खा के दिखाते हैं क्या सा टेस्ट है, क्या है। हौली हौली। ओए जीभ ना जल रही तेरी, ला वायरल दे दे यार। कैसी लगी? काम चलाओ, काम चलाओ, सस्ता जुगाड़ सही है, चल लायरल दे दे। तो भाई अब हम आ चुके हैं रूम से बाहर कुछ खाना खाने, हमको खाना खाए 24 घंटे ज़्यादा हो गया है। तो अब हम आए हैं बाहर डिनर करने, अपने होटल से निकल के वहाँ। इनके यहाँ ना होली खेलते हैं बिना कलर वाली, होली बिना कलर वाली। तो ये आज के दिन सबको भिगो रहे हैं, फोन तो सारा भिग गया। ये देखो अभी पानी फेंक के मारेंगे।
गाइस एक सोंगरेन नाम का फेस्टिवल है जिसको थाईलैंड में लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये लोग पानी के साथ एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं और स्ट्रीट पर बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक बजाते हैं। तो गाइस मुझे तो कुछ ऐसा पता नहीं था, तो मैं अपने फोन के लिए वाटर प्रोटेक्टर लेना भूल गया था, तो जिसकी वजह से मैं ज्यादा रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर पाया था। और गाइस यहां से घूमने के बाद मैं बहुत ज्यादा थक गया था, तो मैं होटल जाके डायरेक्ट सो गया था।